पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 48। कृष्ण अपने भक्तों को प्रसन्न करते हैं। एक साथ कई दिनों तक कृष्ण ने उद्धव से उनकी वृंदावन यात्रा के सभी विवरण, विशेष रूप से उनके पिता और माता और गोपियों और चरवाहों की स्थिति के बारे में सुना। भगवान कृष्ण पूरी तरह से संतुष्ट थे कि उद्धव उनके निर्देशों और उन्हें दिए गए संदेश से उन्हें सांत्वना देने में सक्षम थे। तब भगवान कृष्ण ने कुबजा के घर जाने का फैसला किया। कुबजा महिला, जिसने उन्हें मथुरा शहर में प्रवेश करते समय चंदन का गूदा देकर प्रसन्न किया था। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, कृष्ण हमेशा अपने भक्तों को खुश करने की कोशिश करते हैं जितना भक्त कृष्ण को खुश करने की कोशिश करते हैं। जैसे भक्त हमेशा अपने हृदय में कृष्ण के बारे में सोचते हैं, कृष्ण भी अपने भीतर अपने भक्तों के बारे में सोचते हैं। जब कुब्जा एक सुंदर समाज की लड़की में परिवर्तित हो गई तो वह चाहती थी कि कृष्ण उसके स्थान पर आए ताकि वह अपने तरीके से उन्हें प्राप्त करने और उनकी पूजा करने का प्रयास कर सके। समाज की लड़कियां आमतौर पर पुरुषों को आनंद लेने के लिए अपने शरीर की पेशकश करके अपने ग्राहकों को संतुष्ट करने की कोशिश करती हैं। लेकिन यह समाज की लड़की कुब्जा वास्तव में कृष्ण के साथ अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की वासना से मोहित थी। जब कृष्ण ने कुब्जा के घर जाने की इच्छा की तो निश्चित रूप से उन्हें इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं थी। कृष्ण को चंदन का गूदा देकर कुब्जा ने पहले ही अपनी इंद्रियों को संतुष्ट कर लिया था। हालांकि उसकी इंद्रिय तृप्ति की दलील पर उन्होंने उसके घर जाने का फैसला किया, वास्तव में इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बल्कि उसे एक शुद्ध भक्त बनाने के लिए। कृष्ण हमेशा भाग्य की कई हजारों देवियों द्वारा सेवा की जाती है, इसलिए उसे किसी समाज में जाकर अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। लड़की, लेकिन चूंकि वह सबके प्रति दयालु है, उसने वहां जाने का निश्चय किया। कहा जाता है कि कुटिल व्यक्ति के आंगन से चंद्रमा अपनी चमक नहीं रोकता है। इसी तरह कृष्ण की दिव्य दया से कभी भी इनकार नहीं किया जाता है जिसने उनकी सेवा की है, चाहे वह काम, क्रोध, भय या शुद्ध प्रेम के माध्यम से हो। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि यदि कोई कृष्ण की सेवा करना चाहता है और साथ ही साथ अपनी कामों की इच्छाओं को संतुष्ट करना चाहता है तो कृष्ण स्थिति को संभाल लेंगे ताकि भक्त अपनी कामों की इच्छाओं को भूल जाए और पूरी तरह से शुद्ध हो जाए और लगातार काम में लगे रहे। प्रभु की सेवा। अपना वादा पूरा करने के लिए कृष्ण उद्धव के साथ कुब्जा के घर गए, जो अपनी कामों की इच्छाओं की संतुष्टि के लिए कृष्ण को पाने के लिए बहुत उत्सुक थे। जब कृष्ण उसके घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि यह पूरी तरह से एक आदमी की कामों की इच्छाओं को उत्तेजित करने के लिए सजाया गया था। इससे पता चलता है कि कई नग्न तस्वीरें थीं, जिनमें से शीर्ष पर मोतियों के हार के साथ कशीदाकारी वाले झंडे और आरामदायक बिस्तर और कुशन वाली कुर्सियों के साथ झंडे थे। कमरों को फूलों की मालाओं से सुसज्जित किया गया था और धूप से अच्छी तरह सुगंधित किया गया था और सुगंधित पानी के साथ छिड़का गया था और कमरे अच्छे दीपों से जगमगा रहे थे। जब कुब्जा ने देखा कि भगवान कृष्ण उनके घर में उनकी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए आए हैं तो वह तुरंत अपनी कुर्सी से उठकर उनका गर्मजोशी से स्वागत करने लगी। अपनी कई सहेलियों के साथ वह बड़े आदर और सम्मान के साथ उससे बात करने लगी। उसे बैठने के लिए एक अच्छी जगह देने के बाद उसने भगवान कृष्ण की पूजा अपनी स्थिति के अनुकूल तरीके से की। उद्धव का भी कुब्जा और उसकी सहेलियों ने स्वागत किया था, लेकिन वह कृष्ण के साथ एक समान स्तर पर नहीं बैठना चाहते थे और इस तरह वे बस फर्श पर बैठ गए। जैसा कि आमतौर पर ऐसी स्थितियों में होता है, कृष्ण बिना समय बर्बाद किए कुब्जा के शयन कक्ष में प्रवेश कर गए। इस बीच कुब्जा ने स्नान किया और उसके शरीर को चंदन के गूदे से ढंक दिया। उसने खुद को अच्छे कपड़े, कीमती गहने और फूलों की माला पहनाई। सुपारी और अन्य नशीले पदार्थों को चबाकर और सुगंध के साथ खुद को छिड़कने के बाद वह कृष्ण के सामने प्रकट हुई। उसकी मुस्कुराती हुई निगाह और चलती हुई भौहें स्त्रैण संकोच से भरी थी, क्योंकि वह भगवान कृष्ण के सामने सुशोभित रूप से खड़ी थी, जिन्हें भाग्य की देवी के पति माधव के रूप में जाना जाता है। जब कृष्ण ने कुब्जा को अपने सामने आने में झिझकते देखा तो उन्होंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया, जो चूड़ियों से सजाया गया था। बड़े स्नेह से वह उसे अपने पास घसीट कर अपने पास बैठा लिया। केवल पहले परम भगवान कृष्ण को चंदन का गूदा देकर कुब्जा सभी पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो गए और उनके साथ आनंद लेने के योग्य हो गए। फिर उसने कृष्ण के चरण कमलों को लिया और उन्हें अपने स्तनों पर रख दिया, जो काम की धधकती आग से जल रहे थे। कृष्ण के चरण कमलों की सुगंध को सूंघने से वह तुरंत सभी कामों की इच्छाओं से मुक्त हो गई। इस प्रकार उन्हें अपने हाथों से कृष्ण को गले लगाने और उन्हें अपने घर में एक आगंतुक के रूप में रखने की उनकी लंबे समय से पोषित इच्छा को कम करने की अनुमति दी गई थी। भगवद गीता में कहा गया है कि भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में संलग्न होने से पहले सभी भौतिक पापों से मुक्त होना चाहिए। बस कृष्ण को चंदन का गूदा देकर कुब्जा को इस प्रकार पुरस्कृत किया गया। उसे किसी अन्य तरीके से कृष्ण की पूजा करने के लिए प्रशिक्षित नहीं किया गया था, इसलिए वह उसे अपने पेशे से संतुष्ट करना चाहती थी। भगवद गीता में यह पुष्टि की गई है कि भगवान की पूजा किसी के पेशे से भी की जा सकती है, अगर इसे ईमानदारी से भगवान की खुशी के लिए अर्पित किया जाए।
कुब्जा ने कृष्ण से कहा, मेरे प्रिय मित्र, कृपया कम से कम कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहो और मेरे साथ आनंद लो। मेरे प्रिय कमल आंखों वाले मित्र, मैं आपको तुरंत नहीं छोड़ सकता। कृपया मेरा अनुरोध स्वीकार करें। जैसा कि वैदिक संस्करणों में कहा गया है, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व में बहुशक्तियां हैं। विशेषज्ञ राय के अनुसार कुब्जा कृष्ण की भी शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, जैसे श्रीमती राधारानी उनकी शक्ति का प्रतिनिधित्व करती हैं। यद्यपि कुब्जा ने कृष्ण से कुछ दिनों के लिए उनके साथ रहने का अनुरोध किया, कृष्ण ने विनम्रता से उस पर प्रभाव डाला कि उनके लिए रहना संभव नहीं था। कृष्ण कभी कभी इस भौतिक संसार का दौरा करते हैं, जबकि आध्यात्मिक दुनिया के साथ उनका संबंध शाश्वत है। कृष्ण हमेशा या तो वैकुंठ ग्रहों में या गोलोक वृंदावन ग्रह में मौजूद होते हैं। आध्यात्मिक जगत में उनकी उपस्थिति का तकनीकी शब्द है अप्रकाश लीला। कुब्जा को मीठे वचनों से संतुष्ट करने के बाद कृष्ण उद्धव के साथ घर लौट आए। श्रीमद् भागवत में एक चेतावनी है कि कृष्ण की पूजा बहुत आसानी से नहीं की जाती है, क्योंकि वे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, विष्णु तत्वों में प्रमुख हैं। कृष्ण की पूजा करना या उनसे जुड़ना बहुत आसान नहीं है। विशेष रूप से वैवाहिक प्रेम के माध्यम से कृष्ण की ओर आकर्षित भक्तों के लिए एक चेतावनी है, उनके लिए कृष्ण के साथ सीधे जुड़ाव से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करना अच्छा नहीं है। वास्तव में इंद्रिय तृप्ति की गतिविधियां भौतिक हैं। आध्यात्मिक दुनिया में चुंबन और आलिंगन जैसे लक्षण होते हैं, लेकिन कोई इंद्रिय कृतज्ञ प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि यह भौतिक दुनिया में मौजूद है। यह चेतावनी विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जिन्हें सहजिया के नाम से जाना जाता है, जो यह मान लेते हैं कि कृष्ण एक साधारण इंसान है। वे विकृत तरीके से उसके साथ यौन जीवन का आनंद लेना चाहते हैं। एक आध्यात्मिक संबंध में इंद्रिय तृप्ति सबसे महत्वहीन है। जो कोई भी कृष्ण के साथ विकृत इंद्रिय तृप्ति के संबंध की इच्छा रखता है, उसे कम बुद्धिमान माना जाना चाहिए। उनकी मानसिकता में सुधार की जरूरत है। कुछ समय बाद कृष्ण ने अक्रूर के घर जाने का अपना वादा पूरा किया। अक्रूर कृष्ण के साथ उनके सेवक के रूप में संबंध में थे और कृष्ण उनसे कुछ सेवा प्राप्त करना चाहते थे। वह भगवान बलराम और उद्धव के साथ वहां गया था। जब कृष्ण, बलराम और उद्धव अक्रूर के घर पहुंचे तो अक्रूर आगे आए, उद्धव को गले लगाया और भगवान कृष्ण और बलराम के सामने झुककर उन्हें प्रणाम किया। कृष्ण, बलराम और उद्धव ने बारी बारी से उन्हें प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए उपयुक्त स्थान प्रदान किए गए। जब सभी आराम से बैठ गए तो अक्रूर ने उनके पैर धोए और उनके सिर पर पानी छिड़का। फिर उन्होंने नियमित पूजा में अच्छे कपड़े, फूल और चंदन का गूदा चढ़ाया। वे तीनों अक्रूर के व्यवहार से बहुत संतुष्ट थे। अक्रूर ने अपना सिर जमीन पर रखते हुए कृष्ण के सामने झुककर प्रणाम किया। फिर कृष्ण के चरण कमलों को अपनी गोद में रखकर अक्रूर धीरे से उनकी मालिश करने लगे। जब कृष्ण और बलराम की उपस्थिति में अक्रूर पूरी तरह से संतुष्ट हो गए तो उनकी आंखों में कृष्ण के प्रति प्रेम के आंसू भर आए और वे इस प्रकार अपनी प्रार्थना करने लगे। मेरे प्रिय भगवान कृष्ण और बलराम, कंस और उसके सहयोगियों को मारना आप पर बहुत कृपा है। आपने यदु वंश के पूरे परिवार को सबसे बड़ी आपदा से बचाया है। यदु हमेशा अपने महान राजवंश की आपकी बचत को याद रखेंगे। मेरे प्रिय भगवान कृष्ण और बलराम, आप दोनों ही मूल व्यक्तित्व हैं जिनसे सब कुछ उत्पन्न हुआ है, सभी कारणों का मूल कारण है। आपके पास अकल्पनीय ऊर्जा है और आप सर्वव्यापी हैं। कोई कारण और प्रभाव नहीं है, स्थूल या सूक्ष्म, लेकिन आप वेदों के अध्ययन के माध्यम से महसूस किए गए सर्वोच्च ब्रह्म हैं। आपकी अकल्पनीय ऊर्जा से आप वास्तव में हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी शक्तियों द्वारा इस ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का निर्माण करते हैं और आप स्वयं इसमें प्रवेश करते हैं। जैसे पांच भौतिक तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश विभिन्न प्रकार के शरीरों द्वारा प्रकट हर चीज में वितरित किए जाते हैं, इसलिए आप अकेले ही अपनी ऊर्जा द्वारा बनाए गए विभिन्न निकायों में प्रवेश करते हैं। आप शरीर में व्यक्तिगत आत्मा के रूप में और स्वतंत्र रूप से परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं। भगवद गीता में यह पुष्टि की गई है कि भौतिक शरीर कृष्ण की निम्न ऊर्जा द्वारा बनाया गया है, कि जीव व्यक्तिगत आत्माएं उनके हिस्से और पार्सल हैं, और यह कि परमात्मा उनका स्थानीय प्रतिनिधित्व है। इस प्रकार जबकि भौतिक शरीर, जीव और परमात्मा एक व्यक्तिगत जीवित प्राणी का गठन करते हैं, मूल रूप से वे सभी एक सर्वोच्च भगवान की विभिन्न ऊर्जाएं हैं। अक्रूर ने आगे कहा, भौतिक दुनिया में आप तीन भौतिक गुणों अर्थात अच्छाई, जुनून और अज्ञान की बातचीत से संपूर्ण अभिव्यक्ति का निर्माण, रखरखाव और विघटन करते हैं। लेकिन आप उन भौतिक गुणों की गतिविधियों में शामिल नहीं हैं, क्योंकि आपका सर्वोच्च ज्ञान कभी भी व्यक्तिगत जीव के ज्ञान की तरह दूर नहीं होता है। सर्वोच्च भगवान भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं और उनके नियत समय में सृजन, रखरखाव और विनाश का कारण बनते हैं, जबकि अंश और पार्सल जीव भौतिक तत्वों में प्रवेश करता है और उसके लिए अपने भौतिक शरीर का निर्माण करता है। जीव और भगवान के बीच अंतर यह है कि जीव सर्वोच्च भगवान का अभिन्न अंग है और भौतिक गुणों की बातचीत से दूर होने की प्रवृत्ति रखता है। कृष्ण, परब्रह्म या सर्वोच्च ब्रह्म हमेशा पूर्ण ज्ञान में स्थित होने के कारण ऐसी गतिविधियों से कभी भी दूर नहीं होते हैं।
इसलिए कृष्ण को अच्युत कहा जाता है, जिसका अर्थ है वह जो कभी नहीं गिरता। कृष्ण की आध्यात्मिक पहचान का ज्ञान कभी भी भौतिक क्रिया से दूर नहीं होता है, जबकि सूक्ष्म जीव भौतिक क्रिया के कारण अपनी आध्यात्मिक पहचान को भूलने के लिए प्रवृत्त होते हैं। व्यक्तिगत जीव शाश्वत रूप से भगवान के अंश और अंश हैं। मूल अग्नि की सूक्ष्म चिंगारी कृष्ण जैसे चिंगारी के बुझने की संभावना होती है, लेकिन धधकती आग नहीं। इसलिए जीवों को भौतिक गतिविधियों से दूर किया जा सकता है, जबकि कृष्ण कभी नहीं कर सकते। अक्रीरा ने आगे कहा, कम बुद्धिमान पुरुष आपके दिव्य रूप को भौतिक ऊर्जा से बने होने के बारे में गलत समझते हैं, लेकिन वह अवधारणा आप पर बिल्कुल भी लागू नहीं होती है। वास्तव में आप सर्व आध्यात्मिक हैं और आपके शरीर में कोई अंतर नहीं है, इसलिए आपके बद्ध या मुक्त होने का कोई सवाल ही नहीं है। आप जीवन की किसी भी स्थिति में हमेशा मुक्त होते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, केवल मूर्ख और दुष्ट ही आपको एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। भौतिक प्रकृति से बंधा हुआ हम में से एक आपका आधिपत्य मानना अपूर्ण ज्ञान के कारण एक गलती है। जब लोग वेदों के मूल ज्ञान से विचलित हो जाते हैं, तो वे आपके प्रभुत्व के साथ सामान्य जीवों की पहचान करने की कोशिश करते हैं, जो इस पृथ्वी पर आपके मूल रूप में प्रकट हुए हैं, ताकि वास्तविक ज्ञान को फिर से स्थापित किया जा सके कि जीव न तो एक है और न ही उनके बराबर है। सर्वोच्च भगवान, मेरे प्यारे भगवान, आप हमेशा अदूषित अच्छाई शुद्ध सत्व में स्थित हैं। नास्तिक दर्शन के विपरीत वास्तविक वैदिक ज्ञान को फिर से स्थापित करने के लिए आपकी उपस्थिति आवश्यक है, जो यह स्थापित करने की कोशिश करता है कि ईश्वर और जीव एक ही हैं। मेरे प्रिय भगवान कृष्ण, इस बार आप अपने पूर्ण विस्तार के साथ वासुदेव के घर में उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए हैं, श्री बलराम। आपका मिशन सभी नास्तिक शाही परिवारों को मारना और उनकी विशाल सैन्य शक्ति को नष्ट करना है। आपने संसार के बोझ को कम करने के लिए स्वयं को अवतरित किया है, और इस मिशन को पूरा करने के लिए आपने इसके सदस्यों में से एक के रूप में प्रकट होकर यदु के वंश का महिमामंडन किया है। मेरे प्रिय प्रभु, आज मेरा घर आपकी उपस्थिति से शुद्ध हो गया है। मैं दुनिया का सबसे भाग्यशाली व्यक्ति बन गया हूँ। भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, जो सभी प्रकार के देवताओं, पितरों, राजाओं, सम्राटों और अन्य जीवों द्वारा पूज्य हैं और जो सब कुछ के परमात्मा हैं, मेरे घर में आए हैं। उनके चरण कमलों का जल तीनों लोकों को पवित्र करता है, और अब वे कृपा करके मेरे यहाँ आए हैं। तीन लोकों में तथ्यात्मक विद्वानों में से कौन आपके चरण कमलों की शरण नहीं लेगा और आपकी शरण में नहीं आएगा? कौन? यह जानते हुए कि कोई भी आपके भक्तों के प्रति आपके जैसा स्नेही नहीं हो सकता है, इतना मूर्ख है कि वह आपका भक्त बनने से इनकार कर देगा। पूरे वैदिक साहित्य में यह घोषित किया गया है कि आप हर जीव के सबसे प्रिय मित्र हैं। भगवद गीता में इसकी पुष्टि की गई है, सुहृदं सर्वभूतानां। आप अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने में पूरी तरह से सक्षम भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं। आप सभी के सच्चे मित्र हैं। अपने आप को अपने भक्तों को देने के बावजूद आप अपनी मूल शक्ति से कभी कम नहीं होते हैं। आपकी शक्ति न तो घटती है और न ही मात्रा में वृद्धि होती है। मेरे प्यारे भगवान, महान रहस्यवादी योगियों और देवताओं के लिए भी आपकी गतिविधियों का पता लगाना या आपके पास जाना बहुत मुश्किल है, फिर भी आपकी अकारण दया से आपने मेरे घर आने की सहमति दी है। यह मेरे भौतिक अस्तित्व की यात्रा का सबसे शुभ क्षण है। आपकी कृपा से ही अब मैं समझ सकता हूँ कि मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरी सांसारिक संपत्ति सभी भौतिक अस्तित्व के बंधन हैं। कृपया गांठ काट लें और मुझे झूठे समाज, दोस्ती और प्यार के इस उलझाव से बचाएं। उद्धरण चिन्ह। अक्रूर की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्ण बहुत प्रसन्न हुए। अपनी मुस्कान के साथ अक्रूर को अधिक से अधिक मोहित करते हुए भगवान ने उनके विनम्र भक्तिपूर्ण कथनों का उत्तर निम्नलिखित मीठे शब्दों के साथ दिया। मेरे प्रिय अक्रूर, आपकी अधीनता के बावजूद मैं आपको अपना श्रेष्ठ मानता हूँ, अपने पिता और शिक्षक के स्तर पर और सबसे अधिक शुभचिंतक मित्र। इसलिए मेरे द्वारा आपकी पूजा की जानी है, और चूंकि आप मेरे चाचा हैं, इसलिए मुझे हमेशा आपके द्वारा संरक्षित किया जाना है। मैं चाहता हूं कि आप मुझे बनाए रखें, क्योंकि मैं आपके अपने बच्चों में से एक हूं। इस रिश्ते के अलावा आप जैसे महान भक्त को हमेशा सभी की पूजा करनी चाहिए। जो कोई भी अच्छे भाग्य की इच्छा रखता है, उसे आप जैसे व्यक्तियों को, जो देवताओं से भी महान है, सम्मान पूर्वक प्रणाम करना चाहिए। लोग इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता होने पर देवताओं की पूजा करते हैं और देवता पूजा करने के बाद अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं, लेकिन आप जैसा भक्त अक्रूर लोगों को सबसे बड़ा आशीर्वाद देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। एक साधु व्यक्ति या भक्त सभी को वर देने के लिए स्वतंत्र है, जबकि देवता पूजा करने के बाद ही आशीर्वाद दे सकते हैं। वहां जाकर ही कोई तीर्थ स्थान का लाभ उठा सकता है, और किसी देवता विशेष की पूजा करने में अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा करना शामिल है, लेकिन आप जैसे साधु व्यक्ति, मेरे प्रिय अक्रूर, एक भक्त की सभी इच्छाओं को तुरंत पूरा कर सकते हैं। डॉट। मेरे प्यारे अक्रूर, आप हमेशा हमारे मित्र और शुभचिंतक हैं। आप हमेशा हमारे कल्याण के लिए कार्य करने के लिए तैयार हैं। अतः कृपया हस्तिनापुर जाएं और देखें कि पांडवों के लिए क्या व्यवस्था की गई है।
कृष्ण पांडु के पुत्रों के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे क्योंकि बहुत कम उम्र में उन्होंने अपने पिता को खो दिया था। अपने भक्तों के प्रति बहुत दोस्ताना होने के कारण कृष्ण उनके बारे में जानने के लिए उत्सुक थे और इसलिए उन्होंने अकिरा को हस्तिनापुर जाने और वास्तविक स्थिति की जानकारी प्राप्त करने के लिए नियुक्त किया। कृष्ण ने आगे कहा, मैंने सुना है कि राजा पांडु की मृत्यु के बाद उनके युवा पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव अपनी विधवा माँ के साथ धृतराष्ट्र के प्रभार में आ गए हैं, जो उनके अभिभावक के रूप में उनकी देखभाल करेंगे। लेकिन मैंने यह भी सुना है कि धृतराष्ट्र न केवल जन्म से अंधे हैं बल्कि अपने क्रूर पुत्र दुर्योधन के प्रति स्नेह में अंधे भी हैं। पांचों पांडव राजा पांडु के पुत्र हैं, लेकिन दुर्योधन की योजनाओं और योजनाओं के कारण धृतराष्ट्र उनके प्रति अनुकूल नहीं है। कृपया वहां जाएं और अध्ययन करें कि धृतराष्ट्र पांडवों के साथ कैसे व्यवहार कर रहे हैं। आपकी रिपोर्ट मिलने पर मैं इस पर विचार करूंगा कि उनका पक्ष कैसे लिया जाए। इस तरह भगवान कृष्ण ने अकिरा को हस्तिनापुर जाने का आदेश दिया और फिर वे बलराम और उद्धव के साथ घर लौट आए। इस प्रकार कृष्ण के 48वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। कृष्ण अपने भक्तों को प्रसन्न करते हैं।